राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज है 17 तारीख, कल है 18 तारीख। तो 18 तारीख को हरतालिका तीज है, तो आप लोगों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान अपना आशीर्वाद सभी पे बनाए रखें और सबको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। अभी रात के 8:30 का टाइम हो रहा है और मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका है। तो मैं अभी हिना को बुलाई थी मेहंदी लगवाने के लिए। मैं बच्चों को भी खाना खिला दी हूँ, माँ भी खाना खा चुकी है, सिर्फ मैं और ये नहीं खाना खाए हैं। तो अभी ये घर में है नहीं, तो इनको आते अभी टाइम लगेगा, तब तक मेरा मेहंदी भी सूख जाएगा। तो बस मैं अभी मेहंदी लगवा ले रही हूँ। तक आप लोगों के साथ मैं महामृत्युंजय पूजा का ब्लॉग शेयर कर रही थी, तो मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाती थी, तो बस वो भी पूरा हो चुका है। तो आज से मैं अपना डेली ब्लॉग बनाना शुरू कर दी हूँ। से ही अब हमारे घर में पूजा भी शुरू हुआ। अभी इतने दिनों तक लड्डू गोपाल भी नहीं थे घर में, तो आज अभी हमारे घर में लड्डू गोपाल भी आ गए हैं। तो पूनम सुला करके उनको गई है, तो मेरा मेहंदी भी लग चुका है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी मेहंदी लगी है। हिना ऐसे बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है। लियो मैं अभी नहीं लगाई हूँ, पहले खाना खा लूँ, ब्रश कर लूँ और भी जो छोटे मोटे काम है तो सबको निपटा लूँ सोने से पहले, फिर उंगलियों में भी लगा लूँगी। और अभी 4:30 का टाइम हो रहा है तो मैं जग गई हूँ। जगी तो खैर मैं 4 बजे से हूँ, लेकिन अभी उठी 4:30 हूँ और प्रथम है तो जग गया है। तो वो पढ़ रहा है, आज से बच्चों का पेपर भी स्टार्ट है। शुभ तो अभी सो रहा है, तो प्रथम अपना पढ़ने लगा है और मैं हूँ तो झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि तीज के दिन हम लोग मौनी नहाते हैं, आने के बाद ही बोलेंगे। आप भी मौनी नहाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरा झाड़ू लग चुका है और मैं यहाँ पोछा लगा ले रही हूँ। किचन तो मैं रात को ही साफ़ कर ली थी, तो बस मैं मुखारी करूँगी। और आज हम लोग कंजी की मुखारी करते हैं जो कि बहुत ही कड़वी होती है, उसको भी 3 बार किया जाता है। लेकिन मुझे याद नहीं था, जब मैं अभी लेकर के आई हूँ मुखारी करने के लिए, तब मुझे याद आया कि अरे रात को भी करना था, मैं भूल ही गई थी। ब्रश तो की थी, ब्रश तो रोज ही करती हूँ, लेकिन उसके बाद मुखारी भी किया जाता है, तो मैं भूल गई थी। और इतना कड़वा होता है कि बस मैं नियम के लिए थोड़ी सी दबा ली हूँ दांत से और उसका जीव्यू भी कर ली हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा मैं नहीं की हूँ, क्योंकि इससे मुखारी कर ले तो और भी ज़्यादा प्यास लगने लगती है, मुँह अलग से कड़वा हो जाता है। तो बस अब मैं मुखारी कर चुकी हूँ और नहा उहा करके अब मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। और आज के दिन हम लोग अपने सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं जिससे शादी हुई होती है, जो पीला वाला भखरा सिंदूर होता है, तो बस मैं उसको भी लगा उगा करके अब तैयार हो गई हूँ। तो अब चलिए चलते हैं पूजा करने। सुबह और सुख के पापा अभी सो रहे हैं और पता है हम लोग अभी भी नीचे सो रहे हैं। नीचे सोने में बड़ा मज़ा आ रहा है इस समय, तो इसीलिए हम लोग अभी तक बेड नहीं लाए हैं, नीचे ही सोते हैं। मैं पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ, तो छिटवा में गंगा जल छिड़क करके और चंदन लगा दे रही हूँ। ऐसे कभी कभी कलर वाला भी मिल जाता है, लेकिन इस बार नहीं मिला था, तो मैं हल्दी और चंदन लगा दे रही हूँ। और अभी मैं बाहर मंदिर में पूजा करूँगी, तो वहीं की तैयारी कर ले रही हूँ। तो जो भी सुहाग का सामान होता है तो एक बार मैं सुबह यहाँ मंदिर में चढ़ा देती हूँ, और एक शाम को फुलहरा जहाँ हम लोग पूजते हैं वहाँ चढ़ाऊंगी। तो बस मैं यहाँ निकाल ले रही हूँ मेहंदी बिंदी सिंदूर जो भी होता है सुहाग का सामान, तो बस उसको निकाल के यहाँ रख ले रही हूँ। और लड्डू गोपाल भी हमारे कल ही आए हैं, अभी तक मंदिर बिल्कुल सूना सूना था, तो पूनम कल ले आ करके और सुला भी दी है। तो बस मैं अब लड्डू गोपाल को भी जगा दे रही हूँ। हम लोग पूजा करना शुरू किए हैं, तो कल दोपहर में पूरी मंदिर की मैं डीप क्लीनिंग की हूँ, मंदिर के अंदर का पूरा कपड़ा चेंज कर दी हूँ, जो चौकी में बिछाए रहती हूँ उसको धूल दी थी, उसको नहीं चेंज की हूँ, तो कल नहीं सूखा था, आज सूख गया है, तो अब मैं उसको भी बिछा दूंगी। जो भी अब बचा है काम तो उसको अब करूँगी, उसके बाद फिर मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो बस आप लोग भी मेरे लड्डू गोपाल का दर्शन कर लीजिए। पूनम कल सुलाई थी तो ऐसे ज्वेलरी भी पहने थे, तभी मैं वही उतार उतार के रखी हूँ। हमारे मंदिर की ना कल से रौनक लौट आई है, नहीं तो बड़ा अजीब टाइप से लगता था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। तो बस मैं लड्डू गोपाल को यहाँ दूध दूध पिला दे रही हूँ और अब बाहर जा रही हूँ, तो पहले बाहर पूजा कर लूँगी। जो भी सुहाग का ये सामान है तो इन सबको अच्छे से चढ़ा दूँगी, सब जगह अच्छे से पूजा कर लूँगी। और मैं बाहर का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई हूँ क्योंकि अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, ऐसे मंदिर में तो लाइट जल रही है लेकिन फिर भी नहीं बनाई हूँ। और अब मैं अंदर आ गई हूँ, तो चौकी पर मैं कपड़ा वपड़ा सब बिछा दी हूँ और अब यहाँ मैं पूजा अपना शुरू कर दी हूँ। पहले अपना हरतालिका तीज व्रत का भी एक बार कथा कर ली हूँ, हवन कर दी और अब मैं आरती कर लूँगी। और आज हम लोग हवन भी 3 बार करते हैं, तो एक अभी कर ली हूँ और एक रात को
करूंगी और एक कल सुबह 4 बजे करूंगी। ये भी जगह है तो पता है, बोल रहे हैं कि आज से मंदिर में रौनक लौट आई है, नहीं तो सही में बहुत अजीब लगता था। और ये शाम का क्लिप है, मैं अब तैयार हो गई हूँ पूजा करने जाने के लिए। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ तो हमारा पूजा वूजा हो चुका है, उसके बाद थोड़ी सी बाद में वीडियो बना लिए हैं, क्योंकि पूजा कर रहे थे तो वीडियो कौन बनाता। पूजा के बाद फिर हम लोग भजन गाए थे। पहले तो मैं सोची थी कि 12 बजे तक यहाँ रुकूंगी, लेकिन फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। घर आ गई हूँ, बहुत तेज़ सिर में दर्द हो रहा था, बिल्कुल असहनीय वाला। फिर 11 बजे रात को उल्टी हुई है और मैं पूरी रात नहीं सोई थी, मतलब कभी यहाँ लेटूँ कभी वहाँ लेटूँ। सुबह 4 बजे फिर से उल्टी हुई है, उसके बाद जा कर के अच्छा लगा है। तो मैं फिर आगे कोई भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। जो भी मेरे पास पिक्चर है तो उसको मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।